Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhisarva, and it's a plant pathology lecture number two point two. In this lecture, we uh, describe over the remaining part over the previous lecture. Uh, over in our previous lecture, we talk about some major groups of the plant pathogens and the remain uh, the two last two agents. As we not explain our previous lecture, uh, these two agents we explain in this lecture. So let's start.

ये लिविंग एजेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग एजेंट्स भी होते हैं तो जिस तरह हम हमने हमारे प्रीवियस बायोटिक एजेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे अब हमने क्या कहा कि ये क्या एक लिविंग एजेंट्स है एग्ज़ाम्पल्स के तौर तो पर हमने फंजाई बैक्टीरिया स्पायरोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा काफी एग्जाम्पल्स पड़ी थी अब हम बात करेंगे मीजोबायोटिक एजेंट्स की ये क्या लिविंग या नॉन लिविंग भी हैं और जो हमारी तीसरी एग्जाम्पल्स है uh, तीसरे एजेंट्स है डेट इज ए बायोटिक दिज आर द नॉन लिविंग एजेंट्स सो सबसे पहले हम मीजोबायोटिक एजेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे क्यों हमको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहते हैं ये लिविंग इसलिए है लिविंग uh, तब बनते हैं जब इनको होस्ट uh, बॉडी मिलती है जैसे दे आर द पैरा ओब्लीगेटली पैरासाइड ये क्या है कि हंड्रेड परसेंट डिपेंडेबल ये क्या दूसरे पर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेबल है यानी कि अपनी लाइफ uh, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए इनको दूसरे की होस्ट बॉडी चाहिए होती है जब uh, ये होस्ट बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तब ये क्या बन जाते हैं एज अ लिविंग एजेंट बन जाते हैं लेकिन जब इनको होस्ट बॉडी नहीं मिलती है वैन दे आर द आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट बॉडी देन दे बिहेव लाइक एज अ नॉन लिविंग एजेंट्स सो so, इसलिए हम इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कह देते हैं सो so, सबसे पहले हम वायरस से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे सो so, वायरस सो so, वायरस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियो प्रोटीन इंटेंटेंस विच आर इन्फेस्टिस एजेंट्स एंड द ऑब्लीगेटली पैरासाइट्स पैरासिट्स विच आर लेस देन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन द साइज सो ये क्या होते है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉलेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका जो साइज होता है इवन लेस देन टू हंड्रेड माइक्रो मीटर से और इनकी ये न्यूक्लियो प्रोटीन बॉडी होती है इनकी 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 बॉडी में सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी एक तो आपका न्यूक्लिक एजेंट दैट इज देअर जेंटिकल मटीरियल इट्स आर और और Uh, एक प्रोटीन होता है प्रोटीन को एक कोटिंग होती है जो कि उनकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर भी कह सकते हो आप इसको और ये क्या है, होते हैं ऑब्लिगेटली पैरसाइड्स होते हैं दीज आर द टोटली हंड्रेड uh, परसेंट डिपेंड ऑन देयर होस्ट बॉडी सो दे आर द डिवाइड ऑफ द एंजाइम्स क्यों इनको दूसरे की बॉडी पर डिपेंड होना पड़ता है सो so इसके पीछे भी कारण है दे आर द डिवाइड ऑफ द एंजाइम्स एंड डिपेंड ऑन द हॉर्स्ट प्रोटीन सेंसइज मशीनरी ये क्या करते हैं इनके पास कोई खुद का कोई एंजाइम्स नहीं होते ना ही इनके पास कोई खुद की कोई सेल्फ रेप्लीकेटेड बॉडीज है सो so इसलिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देर ओवन रेप्लीकेशन ओवन सिंसाइस यानी कि खुद को खुद के प्रोटीन को बनाने के लिए दूसरे के प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं इसलिए इनको हम एज अ ऑप्लीकेटली पैरासाइट्स कहते हैं ठीक है और जब ये दूसरे की बॉडी जैसे मिलती तभी लिविंग बने देखो अगर इनको प्रोटीन नहीं मिलेगा जो चीज इनको चाहिए हमारे लिविंग होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें फूड चाहिए जब हमें फूड नहीं मिलेगा हम क्या, हो सेम जब इनको फूड नहीं मिलता है जब इनको, इनको इनकी बॉडी की प्रॉपर सेंस नहीं होती देन बिहेव एज लाइक डेड आल्सो वी कॉल एज लिविंग थिंग्स लेकिन जब इनको प्रॉपरली चीजें मिल जाती हैं जैसे इनको प्रॉपर होस्ट बॉडी मिल चुकी है प्रॉपर प्रोटीन मिल चुका है प्रॉपर इंजाम्स मिल चुके था दैन दे बिहेव लाइक एज अ लिविंग एजेंट्स इसलिए ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहला, कहलाते हैं सो दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड सो इनका जो न्यूक्लिक एसिड होगा दोनों में से एक होगा कभी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ नहीं हो सकते ये आर भी हो सकता है और डी भी हो सकता है सो आर एन राइबो रायबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए राइबोस डी ऑक्सी राय न्यूक्लिक एसिड सो आर एन ए की भी अब एक टाइप होती है जैसे कुछ वायरसेस डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वर्सेज होते हैं कुछ वायरेज हमारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं कुछ डी एन ए वायरसेस हमारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ हमारे वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड भी and most of the uh मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेज हैविंग आर एन ए ज़्यादातर हमारे जो प्लांट वायरसेज होते हैं उनके पास एज आर एन एज अ न्यूक्लिक एसिड होता है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट जैसे यही होते हैं कि हमारे जो वायरसेज होते हैं स्पेशली हमारे जो प्लांट प्लांट वायरसेज होते हैं जो ऑलमोस्ट आर एन ए वायरसेज ही होते हैं अगर इसके बेस्ट एग्जाम्पल लाऊ तो टी एम वी वायरस जैटिज़ तंबाकू मुजे एक वायरसेज और कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं जो डी एन ए भी कंटेन होते हैं हालाँकि जो डी एन ए वाले जो वायरसेज हैं उनकी जो पॉपुलशनस है वो काफ़ी कम है अगर हम एज़ कंपेरिजन करिए पैथोजन के अगर हम, अगर हम

मेजस्ट्रिक वायरस एंड आल्सो द शुगर बीट कलिटो वायरस सो दिसज आर द एग्जांपल ऑफ द वायरसेस एंड वायरस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़ोबायोटिक एजेंट्स सो नाउ वी टॉक अबाउट अवर सेकंड म्यूज़ोबायोटिक एजेंट दैट इज़ विरोड्स सो विरोड्स एज द सेम सेम एज लाइक ऑफ द वायरसेस बट दिस कंटेन ओनली आर एज अ न्यूक्लिक एसिड सो इनका जो न्यूक्लिक एसिड अगर कह सकते हैं कि जो इनका जेनेटिकल मटीरियल है वो सिर्फ आर ही होता है सो वीरोड्स आर द स्मॉल लो मोलिकुलर वेट राइबो न्यूक्लिक एसिड्स डैट इन्फेक्ट द प्लांट सेल्स रेप्लीकेट दैम सेल्स एंड कॉज डिजीज ये क्या होते हैं लो मोलिकुलर वेट राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहीं रेप्लीट्स repl करते हैं डिजीज कॉजिंग करते हैं सो so, इनके पास जो जेंटिकल मटीरियल कौन सा होता है आयरन ही होता है और ये दिस आर ऑल्सो कॉल एज द मिनी वायरसेज इनको मिनी वायरसेज लिये कहते हैं बिकॉज दे आर द स्मॉलर दैन वायरसेस इनका जो साइज होता है वायरस से भी छोटा होता है चूंकि इनके पास कोई भी मतलब और एप्लीकेशन के पास जो वायरस एक तो इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो भी काफ़ी छोटा है ठीक है उनके पास कोई प्रॉपर कोई इन्फेक्टिस मटेरियल नहीं होता ठीक है काफ़ी लो मुलिकुलर वेट होते हैं और ये भी वायरस की तरह दूसरे होस्ट बॉडी पे टोटली क्या होते हैं डिपेंड करते हैं इसकी एग्जाम्पल इट इज़ तो पोटैटो स्पिडल ट्यूबर क्राइसेंथेमम स्टंट कोकोनट कैंग कैंग सो जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है इट्स uh, हमने जिस तरह हमारे पहले लेक्चर के अंदर जब हम हिस्ट्री uh, पढ़ रहे थे प्लांट पैथोलॉजी की उसके अंदर पढ़ा था, था कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है इट इज अ फर्स्ट विरोयड दैट इज डिस्कवर ठीक है सो नाउ वी गोइंग अवर सेकेंड पॉइंट और ये भी हमने पढ़ा था कि टी ओ डैनियर ने इसकी डिस्कवरी की थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोयड की सो नाउ वी टॉक अबाउट अवर थर्ड न्यूजोबायोटिक एजेंट दैट इज वीरोस Virusoids are the circular single standard RNA depend on the viruses.

that. एंड दे डिपेंड ऑन द वायरसे ये वायरस के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर एप्लीकेशन यानी कि खुद की एप्लीकेशन के लिए दूसरे वायरस पर डिपेंड करते हैं एंड आल्सो फॉर देर इनकेप्सुलेशन यानी कि ये खुद इन्फेक्ट नहीं कर सकते कि खुद मूव भी नहीं कर सकते यानी कि इनको मूव करने के लिए भी एक वायरस पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है सो डैट्स वायरस कॉल्ड एज अल्पर वायरस क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है आर अन्य होता है और इनको मूवमेंट करने के लिए एक दूसरे वायरस की कोटिंग चाहिए होती है ताकि अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके द जिनोम ऑफ द वीरोसाइड कंसिस्ट ऑफ द सेल्स हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स और इसके जो जीनोम्स के अंदर काफी ज्यादा सेवरल हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड डज नॉट कोड एनी फॉर प्रोटीन हालांकि इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होने के बावजूद भी ये कि किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते सो so, प्रोटीन को कोड करने के लिए क्या करते हैं दूसरे पे डिपेंड रहते हैं दूसरे पर इनको डिपेंड रहना पड़ता है सो विरोसोइड्स आर द द एसेंशियल दैट्स हैव बाय हेल्पर वायरस कोर्स सो ये दूसरे वायरस कोर्स के होते हैं डिपेंड करते हैं हालांकि इतने ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करते हमारे प्लांट्स को अगर हम मोस्ट इन्फेस्टिस एजेंट्स इन मीजोबायोटिक कैटेगरी के अंदर बात करें तो वो है वायरसेस और दूसरे नंबर पर हमारे विरोइड्स आते हैं देन लास्ट कैटेगरी वी कॉल कॉलोइ्स आते हैं नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट एजेंट्स सो नेक्स्ट एजेंट इज एबायोटिक एजेंट्स So, abiotic agents are the non living agents. Uh, these are the non living agents. और अक्सर ये ए बायोटिक एजेंट्स हमको जब हम डायग्नोसिस करते हैं जब हम कंपेरिजन uh, करते हैं ए बायोटिक एजेंट्स को और बायोटिक एजेंट्स को सो इनके जो सिम्टम्स होते हैं जो सिम्टम कोज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर वो अप्रॉक्सिमेट सेम होते हैं और जब हमको डायग्नोसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स आगे वाले जो हम पढ़ेंगे उसको आप थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ आएगा सबसे पहले इनके थोड़ी सी एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हमारे ए बायोटिक एजेंट्स होते हैं सबसे पहले हमारे ए बायोटिक एजेंट्स हैं एडवर्स वेदर कंडीशन वेदर कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम एडवर्स प्रॉपर्टी सो ग्रोइंग मीडिया के बारे में बात करेंगे कि कौन सी हमारे सोइल्स के एडवर्स वेदर कंडीशन भी कौन-कौन सी होती हैं ये भी हमारे एबायोटिक एजेंट्स के अंदर ही आ जाती हैं सो एडवर्स वेदर कंडीशन के अंदर जैसे टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम का मतलब है टेम्परेचर का हाई और लो होना जैसे सारे प्लांट जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके जो सर्वाइवल रेट है जो ऑप्टिमल टेंपरेचर की रेंज है वो 5 से 35 तक है यानी कि फाइव से थर्टी फाइव की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो ऑप्टिमम है बिल्कुल बढ़िया है उनकी प्रोडक्शन के लिए अगर हमारा जो ये टेम्परेचर है फाइव से कम हो जाता है तभी हमारे प्लांट्स मतलब सफर करते हैं जब ये टेम्परेचर के रेंज थर्टी फाइव से इवन कुछ प्लांट्स हो सकते हैं कि जो फोर्टी फोर्टी फाइव की सर्वाइव कर सके लेकिन जब हमारा टेम्परेचर मोर देन फोटी या फोर्टी फाइव से भी ज़्यादा हो जाता है तब हमारे प्लांट्स के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं और ये सिम्टम्स अक्सर हमें थोड़ा बहुत मतलब दैट्स लाइक बायोटिक एजेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच भी करते हैं सो एग्ज़ाम्पल जैसे लीव्स स्क्रॉचिंग ड्यू टू तो हाई टेम्परेचर कई बार लिवस की स्क्रॉचिंग होती है हमारे जो पत्ते के जो, जो हमारे एजेज होते हैं वो जल जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड आल्सो ड्यू टू द फॉरस्ट इन्जरी फॉरस्ट इन्जरी फॉरस्ट इन्जरी हमारे एक लो टेम्परेचर का इंपैक्ट है स्पेशली फॉरस्ट इन्जरी ज़्यादातर हमारे जो रबी सीज़न के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर जब नवंबर दिसंबर जनवरी का जब स्पेशली दिसंबर जनवरी के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है now we talk about our next uh, adverse weather condition point that is lack or excess of the soil moisture so मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तब भी ये हमारे प्लांट को सफर करवाएगा अगर मॉइस्चर कम होगा तब तो भी इसका इंपैक्ट है हालांकि जो कम मॉइस्चर का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर अगर हमारे प्लांट्स हमारे सॉइल के अंदर जो कि हमारा ग्रोइंग मीडिया होता है फॉर द प्लांट्स अगर उसके अंदर जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है जो नमी है जो वाटर कॉन्टेंट है अगर कम होगा तो हमारे प्लांट्स की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली इफेक्ट करेगी क्योंकि प्लांट्स को जो वाटर काफ़ी ज़्यादा हर हर उनकी हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो रेस्परेशन कर रहे हैं अगर कोई भी अपने

लैक ऑफ सॉयल मच्छर के कारण भी हो सकती है और इवन एक, एक बायो एक बायोटिक एजेंट्स भी इसमें हेल्पफुल है यानी कि बायोटिक एजेंट्स भी इसमें एक कोजल uh, ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं जैसे फंजाई बैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं हमारे uh, अक्सर uh, विल्टिंग कोस करते हैं जैसे फुजैरियम है वोटिसलियम है जेंथोमोनास सूडोमोनास बैक्टीरिया ये भी इम्पैक्ट ये भी सेम सिम्टम्स uh, करते हैं लेकिन जो सिम्टम्स लैक ऑफ मॉइचर कॉन्टेंट्स से होते हैं वो अलग थोड़े से देखने में अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई कोजल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते इनको हम ठीक कर सकते हैं ईजिली ठीक हो सकते पानी देखे ठीक कर सकते

तो तब क्या होता है कि हमारा जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और सी ओ टू की कंसनट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है सो सी ओ टू की जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है हमारे प्लांट्स में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स कुछ सफरिंग आनी शुरू हो जाती है प्लांट्स थोड़े सफर्स करना शुरू कर जाते हैं सो दैट दैट्स इज द ए बायोटिक एजन डेट्स ड्यू टू द एक्सेस सोइल मॉइस्चर सो एक्सेस सोइल मॉइस्चर भी हमारे लिए हार्मफुल है और लेस लैक ऑफ सोइल मॉइस्चर तो हार्मफुल है ही है नाउ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द लाइट That is lack or excess of the light. देखो लाइट की रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होती है अगर हम बात करें आफ्टर द वाटर वाटर के बाद सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट चीज़ हमारे प्लांट्स को होती है लाइट जिसको लाइट के बेस्ट सोर्स है हमारे लिए सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है इज़ अ बेस्ट सोर्स बेस्ट सोर्स फॉर द लाइट और लाइट की हेल्प से ये कर हमारे जो प्लांट्स है क्या करते हैं फोटोसिंथिस करते हैं जब हमारे प्लांट्स जब हमारे प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती तब हमारे प्लांट्स में एक डिजीज़ आती है एक मतलब एक सफरिंग आती है उस सफरिंग को हम क्या कहते हैं इटोलेशन होती है ये किसके कारण होता है दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ द light. देखो जब हमारे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती तो हमारे प्लांट्स का जो उनका ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल का क्लोरोफिल uh, uh, का कंटेंट है थोड़ा बहुत घटना शुरू हो जाता है उनका जो ग्रीनरी कलर है येलोइश कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है सो लैक ऑफ सॉइल लैक ऑफ लाइट भी इफेक्ट करता है और अक्सेस लाइट भी इफेक्ट करता है कई बार ऐसा होता है कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं वो थोड़े लाइट सेंसिटिव होते हैं जो कि इसमें हम लाइट सेंसिटिव जैसे सीलियोफाइड जो कि हमारे शेड लविंग प्लांट्स होते हैं जहाँ शेड लविंग प्लांट जिनको थोड़ी लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है अगर हमको एकदम अक्सेस सनलाइट दे दें तो वो भी क्या करते हैं Uh, मतलब सफर करने शुरू कर जाते हैं तब तो उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो तब ग्रीन पिगमेंट जब किसी पर्टिकुलर से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालना भी शुरू कर देता है सो द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नाउ वी टॉक अबाउट लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स इसकी बेस्ट एक्जाम्पल इट्स ब्लैक हॉट इन द पोटैटो डू द लैक्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द स्टोरेज कभी बार ऐसा होता है ऑक्सीजन की लैक से यानी कि ऑक्सीजन की कमी से भी हमारे uh, प्लांट प्लांट्स प्लांट्स सर्वाइव करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स को प्लांट्स को भी ज्यादा होती है क्योंकि प्लांट्स को रेस्पिशन के लिए चाह उनको रिक्वायरमेंट होती है जब हम स्पेशली स्टोर करते हैं जैसे पोटैटो को हम जब स्टोर स्टोर हाउस में या फिर वेयर हाउस के अंदर जब हम स्टोर करते हैं अगर वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल है तो हमारे प्लांट्स जो हमारे पोटैटोज होते हैं तो थोड़े ब्लैकिश कलर आना शुरू हो जाता है वो ब्लैकिश कलर किसके कारण आना शुरू होता है ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी, कमी आती है उसके कारण भी क्या होते हैं हमारे प्लांट थोड़े सफर करते हैं वी टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन। देखो एयर पोलूशन हमारे ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है और ह्यूमंस से सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन के अंदर क्या होता है अल्टीमेटली हमारे ग्रीन हाउसेस गैसेज होते हैं और ये जे ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या करती है हमारे प्लांट्स को बहुत ज्यादा सफ़र करती हैं स्पेशली अगर बेस्ट एग्जाम्पल ग्रीन हाउसेस गैसेस की बात करूँ जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया हमारी कार्बन डाई होगी सल्फ एसो टू होगी सल्फर ऑक्साइड होगी ये क्या करते हैं हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जिसके बैक्स एग्जाम्पल इट इज़ ब्लैक किफ ऑफ मैंगो ड्यू टू द

सा डस्ट वगैर भी यूज़ करते हैं लेकिन बेस्ट जो ग्रोइंग मीडिया जो मैक्सिमम ज़्यादा यूज होता है अप्रॉक्सीमेट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा ग्रोइंग मीडिया वो कि हमारा सोयल है सो so सॉइल की प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी इंपैक्ट डालेंगे हमारे प्लांट्स पर सो बेस्ट जो सबसे पहला पॉइंट हेट इज सोइल पी एच सोइल पी एच का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है जो हमारे सॉयल की जो पी एच की रेंज होती है जीरो टू फोर्टीन की रेंज में होती है और स्पेशली सोयल की पी एच की रेंज की हम बात करेंगे हमारा जो सोइल पी एच होता है जीरो से फोर्टीन की रेंज में होता है और सेवन को हम क्या कहते हैं ऐसा न्यूट्रल पीएच कहते हैं जब हमारा सोयल का पीएच सेवन से कम होता है तब हम क्या कहते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है एसिडिक कंडीशन है और जब हमारे सोयल का पीएच सेवन से ज़्यादा होता है तब हम क्या कहते हैं कि हमारे सोयल में बेसिक कंडीशन है सो so, जब भी देखो एक एक मतलब एक प्रॉपर रेंज होती है जब भी ये सिक्स से 7.5 की जो पीएच की रेंज है यानी कि 6.5 से 7.5 की जो पीएच की रेंज है ऑप्टिमम पीएच एच की रेंज है इस पीएच की रेंज में हमारा कोई भी प्लांट uh, मतलब सफर नहीं करता है लेकिन जब ये पीएच की रेंज एक सिक्स पॉइंट फाइव से कम होती है जब ये फाइव फोर पॉइंट फाइव तक रेंज में पहुंचती है तब हमारे प्लांट्स कुछ uh, सफर करते हैं सो दिस इज़ द पी इफेक्ट और ये पी इफेक्ट जब और भी देखने को मिलता है जब हमारे प्लांट्स मोर देन सेवन पॉइंट फाइव की पी की रेंज पर इम्पैक्ट करते हैं स्पेशली जब हमारे सोयल का पी एच सेवन से ज़्यादा हो जाए तब हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है uh, थोड़ा सोल्ट का बढ़ जाता है हमारे सोइल्स का के अंदर और का सोल्ट काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे प्लांट्स की ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर सो दिस इज़ द सोयल पी एच इफेक्ट और ये सोयल पी एच की इफेक्ट के, के कारण काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं और स्पेशली इतने ज़्यादा सर्वाइव करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे ग्रोन भी हो, हो नहीं पाते हैं प्रॉपरली हालांकि ग्रोन हो जाते हैं उनकी सीलिंग स्टेक तक पहुँच जाते हैं लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेक तक पहुँचते हैं तो वो टोटली क्या प्रोटली क्योंकि विल्ट हो जाते हैं टोटली क्या होता है डैमेज हो जाते हैं सो so बहुत कम सर्वाइवल रेट होता है जब हमारा सॉइल की पी एच की रेंज क्या होती है एडवर्स होती है नाउ वी टॉक अबाउट द मिनरल डेफिशिएंसी एंड द टॉक्सिसिटी मिनरल की डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी भी क्या मेजर इंपैक्ट डालती है डाल जैसे खैरा डिजीज ऑफ द राइस खैरा डिजीज और ये स्पेशली व्हाइट बट डिजीज ऑफ द मिच ये डिजीजे ये, ये किसी बायोटिक एजेंट्स के कारण नहीं हो रही है ये कोई फंंचाई बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन दोनों डिजीज के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है यानी कि जो कह सकते हो ये बायोटिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है जिंक सो so, जिंक की डेफिशियंसी कारण यानी कि जब हमारे प्लांट्स के अंदर जिंक की कमी आती है तब ये डिजीज देखने को मिलती है जैसे खैरा डिजीज ऑफ राइसिस व्हाइट बर्ड डिजीज ऑफ द मेजिस इवन कुछ और भी ऐसे डिजीज हैं जो कि क्या होती हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशियंज के कारण हुई होती है सो दिस इज अवर द पॉइंट्स दैट इज़ एबायोटिक एजेंट्स सो नाउ वी टॉक अबाउट अवर थर्ड पॉइंट दैट इज केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी सो कई बार कुछ केमिकल्स का इंपैक्ट्स भी आता है इवन कुछ मैकेनिकल्स इंपैक्ट्स भी आता है सो so, केमिकल uh, में इंजरी की बात करेंगे जैसे केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स फर्टिलाइजर टूगैदर विद एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स कॉज द इंजरी टू द प्लांट्स जैसे केमिकल्स हमारे जैसे पेस्टिसाइड्स हैं हर्बिसाइड्स हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल है लेकिन हेल्पफुल के कारण हमारे लिए कई बार डैमेज कॉजिंग भी करते हैं थोड़े प्लांट्स को सफर भी करते हैं सफर के जैसे एग्जाम्पल करूँ कि जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है हर्बिसाइड्स जैसे हम टू फोर डी हर्बिसाइड यूज़ करते हैं ग्लाइकोफोर्ट्स हर्बिसाइड यूज करते हैं इन हर्बिसाइड्स का कई बार हम एज यूज़ करते हैं वीड्स के अगेंस्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है वीड्स के अगेंस्ट यूज़ करते करते हमारे जो मेजर प्लाट्स होते हैं जो जिनको हमने ग्राउंड किया उनके भी क्या करते हैं मेजर इंपैक्ट

जैसे ब्राउनिंग एंड द येलोइंग ऑफ द लीव मार्जिन आर द कॉमन सिम्टम्स जैसे हमारे पत्ते थोड़े ब्राउनिश होने शुरू हो जाते हैं थोड़े येलोइश कलर आना शुरू हो जाता है क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें थोड़ा वो उसकी जो फंक्शनिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है वो थोड़ा कंटेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सो उसके कारण हमारे प्लांट्स के क्या होते हैं थोड़े येलोइश कलर आना उनमें शुरू हो जाता है सो डिट इज दिस इज द केमिकल इंजरी हाउ वी टॉक अबाउट द मकैनिकल इंजरी सो मकैनिकल डैमेज इज़ ड्यू टू द वजिटेशन फ्राम द यूजिंग द इक्विपमेंट्स एंड आल्सो फ्राम द वैदर रिलेटेड इवेंट्स सो मकैनिकल्स में क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जब uh, फील्ड के अंदर जो हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होता है जब यूज़ कर देखा कैसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स के जब वॉकिंग से या फिर उनके चलने से जो साथ वाले प्लांट्स होते हैं वो सफर करते हैं जैसे हमने कोई स्प्रेंग जैसे हम कोई हार्वेस्टिंग वाली मशीन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई फर्टिलाइजर अपलाई वाली मशीनरी यूज करते हैं सो so, उसके दौरान क्या होता है कि वो मशीनरीज क्या करते हैं हमारे प्लांट्स को थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालते हैं जब वो चलते हैं यूज़ करते हैं वो कुछ हमारे प्लांट्स को बीच में रास्ते में आने वाले प्लांट्स को कट डाउन कर देते हैं सो so, इसमें कुछ वेदर रिलेटेड इवेंट्स भी इसमें शामिल है ठीक है सो मैकेनिकल इंजरी ज़्यादातर हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स uh, के यूज़ करने से होते हैं जब हम इंडायरेक्टली uh, सो uh, so, ये क्या इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स में आ जाते हैं ठीक है सो so, जितने भी हमने ये बात की जो केमिकल्स मैकेनिकल इंजरी दीज आर द इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डाल रही है इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हो हमारे प्लांट्स के ऊपर सो दिस इज अबाउट द

विच अटैक द क्रॉप्स क्लासिफाई कैन बी बेस्ड ऑन द साइबर क्राइटेरिया सो हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जिसके हिसाब से हम हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं सो so, बेसिकली हमारे तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन इज टाइप्स ऑफ द पेसिफिटेशन एंड द स्प्रेड स्प्रेड के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी एक्सटेंड ऑफ द अकुरस एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सो जिस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट से अकुरंस uh, के हिसाब से भी हम हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन सो टाइप ऑफ इन्फेक्शन सो हमारी फर्स्ट है डेट इज सॉयल बॉन्ड डिजीज सबसे पहले हम सॉयल बॉन्ड डिजीज के बारे में बात करेंगे द कोजल एजेंट्स प्रेस्पिटेट्स एंड स्प्रेड थ्रू द सॉयल एग्जाम्पल डैम्पिंग ऑफ कोज बाई फंजाई लाइक पाइथियम एंड द रूट रॉट कॉज बाय द राइजटोनियपिस सो जो इफेक्शन होती है वो सोयल से भी हो सकते हैं कुछ हमारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि सॉयल बोन डिजीज होते हैं सोयल बोन डिजीज वो डिजीज होती है जो सोयल के अंदर सर्वाइव करते हैं जो सोयल uh, है, है। के अंदर पेरस्पिटेट करते हैं स्प्रेड करते हैं यानी कि जो डिजीज़ हमारे सोयल्स के अंदर फैलती है उनको हम क्या कहते हैं सोयल बोन डिजीज कहते हैं जैसे हमारे डैम्पिंग ऑफ डिजीज होगी रूट रॉट डिजीज होती ठीक है सो so, जितने भी ये, uh, जो हमारे पैथोजेंस है ये क्या ये कहाँ सर्वाइव करते हैं कहाँ रहती है सोयल्स के अंदर रहते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं सॉय बॉन डिजीज़ कहते हैं नाउ वी टॉक अबाउट अवर सेकंड टाइप ऑफ क्शन डेट इज सीड बॉन्ट डिसीज सो सीड एंड सीड मटीरियलो हेल्प इनेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिस कई बार हेल्पफुल करते हैं हमारे डिसीज के ये हमारे स्प्रेड करने में प्रेसिपिटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं द डिजीज कोजिंग एजेंट मे बी द इंटरनल और द एक्सटर्नल सीड बॉन्ड डिजीज इंटरनल सीड बॉन डिजीज का मतलब है कि वो डिजीज यानी कि वो पैथोजन जो सीड के अंदर जाके हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि इंटरनल मतलब अंदर जाके इन्फेक्ट करते हैं उनको हम इंटरनली सीड डिजीज कहते हैं एक्सटर्नल सीड डिजीज वो डिजीज सीड बॉन्न डिजीज होती है जो हमारे सीड को एक्सटर्नल यानी कि बाहर से इंफेक्ट करते हैं जैसे एग्जाम्पल है जैसे लूज सुमत ऑफ वीट कोज बाय उस लैक की जिसको डैट इज ड्यू टू द इंटरनली सीड बॉन्ड डिजीज़ के कारण होती है and also the blast of rice caused by the pyroclaria or iZ it is the एक्सटर्नली सीट बॉन्ड डिजीज़ सो जो हमारी ब्लास्ट डिजीज़ है राइस की विक एक्सटर्नली सीट बॉन्ड डिजीज़ है यानी कि जो ये पैथोजेंस है ये हमारे सीड को जिसे इंपैक्ट करे बाहर से इंपैक्ट कर रहा है इफेक्ट कर रहा है और जो हमारा जो वीट का जो लूज सुमर डिजीज़ है ये हमारा सीड को अंदर से इंपैक्ट कर रहा है यानी कि उसके अंदर से सर्वाइव कर रहा है यानी कि जो सीड बॉन्ड डिजीज होते हैं जितने भी हमारे सीट बॉन्ड डिजीज होते हैं ये जो सर्वाइव करते हैं यानी कि जो जो मतलब जब इनको होस्ट पॉन्ट नहीं मिलता है ये सीट के अंदर के सर्वाइव करते हैं सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ सीट बॉन्ड डिजीज नाउ वी टॉक अबाउट अवर थर्ड इनफेक्ट ज एयर बॉन्ड डिजीज इन दिस डिजीज द डिजीज कॉज एजेंट आर स्प्रेड बाय द विंड करते हैं इनकी बेस्ट एक्साम्पल इट इज अर्लीव स्पॉट लेट लीव स्प्राउंड नट एंड कॉज बाय द्रिस्कसपोरा आर्किडोला एंड अप्र प्रिस्पनोटा रिस्पेक्टिवली सो ये जो पैथोजेंस है ये एयर की हेल्प से इन्फेक्ट करते हैं यानी कि एयर so, की हेल्प से स्प्रेड करते हैं सर्वाइव करते हैं सो डेट्स वाई दे कॉल एज द एयर बॉन्ड डिजीज यानी कि हवा इनको यानी कि एयर इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए प्रेस्परेशन करने के लिए यानी ट्रांसमिशन के लिए सो सोयल बॉन्ड डिजीज़ के अंदर मैं सोयल हेल्प करती है इनको ट्रांसमिशन के लिए सर्वाइव के लिए और सीड बॉन्ड के अंदर सीड हेल्प करते हैं और एयर बॉन्ड के अंदर एयर हेल्प करती है हवा हेल्प करती है सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ दैट इज दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन नाउ यू टॉक अबाउट अवर सेकंड टाइम दैट इज अकर एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सोकरन और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम हमारे प्लांट्स को थोड़ा क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज एंटेमिक डिजीज़ वन अ डिजीज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रिवेल्ड फ्रॉम अ ईयर टू इन मॉडर टू सर्व इन अ पर्टिकुलर कंट्री जब हमारी कोई भी डिजीज किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम से किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही सर्वाइव कर रही है जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे वर्ड डिजीज ऑफ द पोटैटो एंडेमिक टू यानी कि एंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सर्वाइव करती है जैसे जो वर्ल्ड डिजीज है पोटैटो की ये ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर दार्जिलिंग हिल्स में ही देखने को मिलती है यानी कि ये डिजीज सिर्फ वहीं की एक मेजर डिजीज है ये बाकी एरियाज uh, में मतलब इफेक्ट नहीं करती सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक डिजीज एंडेमिक डिजीज सिर्फ कुछ एरिया में ही सर्वाइव करती हैं जो पूरे एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाती यानी कि जहां पर इनको प्रॉपर इनकी वेदर

लेट ब्लाइट एंड द माइल एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो प्रोडिकली आक्रंस करती है यानी कि जो वो डिजीज़ होती है जो ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया इंपैक्ट करती है वो कि ये बहुत ही मेजर एरिया इंपैक्ट करते हैं हम जैसे आप बात करें रस्ट जैसे रस्ट हो गया लेट ब्लाइट हो गया माइल्ड डिजीज़ हो गई ये डिजीज होती है ये पूरे को बहुत बड़े पार्ट को इम्पेक्ट करेगी जैसे रस्ट डिजीज़ अक्सर हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर रबी सीजन में देखने को मिलती है लेट ब्लाइट डिजीज है लेट ब्लाइट डिजीज़ ने एपिडेमिक किया था आयरलैंड के अंदर सो ये एपिडेमिक होते एक बहुत बड़े एरिया को इम्पेक्ट करते हैं लेकिन जो एंडेमिक डिजीज होती है बहुत बड़े एरिया को इंपैक्ट नहीं करती सिर्फ एक छोटे से एरिया को ही इंपैक्ट करती है सो दैट्स व्हाई गौर गौर एपिडेमिक डिजीज नाउ वी टॉक अबाउट आवर थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज सुप्राएडिक डिजीज स्प्रेडिक डिजीज भी चौकर एट अ वेरी इरेगुलर इंटरवल जो कि बहुत एक इरेगुलर इंटरवल पे आती है एंड लोकेशन इन द मॉडर टू सैव फॉर्म यानी कि जो जिसकी बेस्ट एक्जाम्पल है लीफ लीव ऑफ द दिट यानी कि ये वो डिसीज़ इनके बहुत इरेगुलर इंटरवल होता है ये ऐसा होता है एक साल आ जाएगी ये डिजीज़ अगले साल नहीं आएगी यानी कि या ये डिजीज होती है जो अक्सर देखने को हमें नहीं मिलती है यानी कि इनको ये तभी देखने को मिलती है जब इनको प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन वगैरह इनको मिलती है स्प्रेडिक डिजीज है सर लीव फ्लाइट डिजीज़ ये तभी आएगी जब प्रॉपरली इनको वेदर कंडीशन मिलेंगी एक ऐसा होता है इन डिजीज में यानी कि एक

सो पेंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली होती है यानी कि यह डिजीज देखो एपिडेमिक एपिडेमिकरिया में फैली हो गई लेकिन जो पेंडेमिक पूरे पूरे कॉन्टिनेंट इवन पूरी कंट्री को जो पूरे कॉन्टिनेंट को इंपैक्ट करे जैसे कोई जैसे कोरोना वायरस है कि ये क्या एक पेंडेमिक बन चुका है पहले ही सिर्फ एक एपिडेमिक एपिडेमिकले ही सिर्फ चाइना में एक एपिडेमिक बना था लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इसका साइकिल फैलाई पूरे पेंडेमिक हो पूरे इसने अर्थ को घेर लिया जितने भी कंट्रीज है धीरे धीरे सारी कंट्रीज के लपेटे में आगे प्रॉपर इसके स्प्रेडिंग कॉजे में आगे डेट्स वाई पैंडेमिक सो पेंडेमिक का मतलब वो डिजीज वो पूरे एर जो एक जो पूरे कॉन्टिनेंट या फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट को इंपैक्ट करें जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है लेट प्लाइट ऑफ द पोटेटो थैंक यू स्टूडेंट्स वो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर ओवर होता है सो so, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने इस कमेंट सेशन बताना है इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे जो एग्री मून यूट्यूब चैनल को आ, मतलब आपने सब्सक्राइब करना है एंड आल्सो आपको इसको एग्री मून चैनल का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप्स भी आपने ज्वाइन करना और आपको जो ग्रुप मिल रहा है इस ग्रुप में आप कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी आपका कोई भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो अब आप हमारे जो एग्री वर्षा के तरफ से एक नया एक कॉम्पिटिशन एक क्विज रिलीज की जा रही है उस क्विज़ को भी आप अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं है। उस कॉम्पिटिशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन करें अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपरली अगर आपको और ज़्यादा मतलब स्टडी करनी है जो भी हम लेक्चर करवाते हैं उसकी पूरी अगर आपको प्रॉपर स्टडी वगैरह करनी है प्रॉपर एमसीक्यू वगैरह स्टडी करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए करना चाहिए और जो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग दिस लेक्चर थैंक यू बाय बाय